नहीं देगा, यस करने ये हुई उसने उसका दिया क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, तो आप खुलानी फिर कह लें, अगर आप कह लिए बगैर यूज कर रहे हैं तो इलीगल काम सारे हो, ठीक है। अच्छा एक और इससे चीज़ रिलेटेड है जो गवर्नमेंट जबरदस्त है वो भी देखते हैं और उसका काम है इससे आउटपुट एप्स मेल बॉक्स कॉल्स, जैसे ये भी ये क्लाइंट की सेटिंग में जाकर अप्लाई होता है। इस वक्त ये आपके सामने यूजर इन्वायरमेंट है जो किसे दिया गया था, मैं एक और यूजर बना लेता हूँ शहजाद के नाम से और हम चाहते हैं कि शहजाद को, शहजाद जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो बड़ा पुराना है, उस पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना वर्जन है जिसकी वजह से उस पर वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्या कहते हैं जो नया वाला है ना ये इसे कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम व्यू नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मैं कहता हूँ शहजाद पे प्रीमियम व्यू क्या करें, डिसेबल करें, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका ताल्लुक कौन सी सेटिंग से, क्लाइंट एक्सेस से, क्लाइंट एक्सेस मैं काम करता हूँ यहाँ पे शहजाद को मूव करवा देता हूँ भी पड़े से और इस ये शेल से भी शेल का बहुत शौक आता है। आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं ऐसे ही है, आप क्या करना चाहते हैं, आप सबसे पहले एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी का कोई नाम दे देंगे, उस पॉलिसी पे आप क्या कहेंगे कि प्रीमियम क्लाइंट डिसेबल, और उसके बाद उस पॉलिसी को शहजाद के जो कि कोई मैं जिसका नाम से आप अप्लाई करेंगे शेल, आपको ग्राफिकली बता दूंगा किस तरह होगा। राइट क्लिक करें न्यू आउटपुट वेब एक्स पॉलिसी, ठीक है, वेब एक्स पॉलिसी, पॉलिसी का नाम दे दिया मैंने माई अंडरस्कोर पॉलिसी, यहाँ पे आप देखो ये क्या लिखा है, इनेबल्ड है इस पर, ये जो डिसेबल के लिए यही मेन्यू यूज होगा पीडीएफ वगैरह, उसके लिए तो एक्टिव सिम पॉलिसी अप्लाई, इसकी सेटिंग और देख लेते हैं इसमें है या इसका भी ऑप्शन उसमें तो रहता सिम से पी डी एफ और एनवायरमेंट पी डी एफ में कोई बात ही नहीं की क्लास जी। अब मैं ये पॉलिसी मैंने बना दी, ग्राफिकली तो अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान है, यूजर की प्रॉपर्टीज में जाएं, रिफ्रेश करें किधर गया यूजर, अच्छा मेल बॉक्स नहीं बनाया थी यूज करा, मेल बॉक्स ही बना रहे असल में मैं यूजर बना रहा हूँ ए डी एस, अगर मैं इधर से बना दूँ तो फिर ये स्टेप करना ही मैं ये शहजाद साहब हैं, और अगर आप ग्राफिकली अप्लाई करना चाहते हैं ये पॉलिसी उसके लिए मेल बॉक्स फीचर्स में जाएं, ये है प्रॉपर्टीज में जाकर ब्राउज करके, अब अल्लाह का मुझे कमांड सही सही याद आ जाए मैं आपको कमांड लाइन से भी करवा देता हूँ, देखिए मैंने सक्सेस ना सबसे पहले तो वही कर देते हैं गैट यूजर, आप कहते हैं नहीं सालों आपका पता आया हो आप मेरे लिए
नाकामियों से कामयाबी की तरफ सफर लिखें लिखें आप मैं एक दफ़ा इसको ज़रा शांत कर दूँ आपके लिए ये आप इतना लिखते हैं ज़रा कॉपी करके ज़रा तेज़ करें एक कमांड है मैं चल नीचे ले ये गैस न्यू पॉलिसी एक हुआ मेल बॉक्स पॉलिसी पॉलिसी माय बॉस इसके बाद आएगा पॉलिसी का देखते हैं गैस न्यू पॉलिसी बताता हूँ क्या है अगले दिन मैं बताता हूँ सी एस इसलिए मैं सर्च कर रहा था सी एस यही तो चीज़ थी थोड़ी सी भैया सी एस अभी हम वेरीफाई भी करते हैं कि इस यूजर को जब नॉर्मल करवाएंगे तो इन्वायरमेंट में डिफरेंस नजर आएगा ये जो है पाइप साइन है ये मिस नहीं कर रहे हैं जी अब देखें किया क्या है मेरा ख्याल है इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये भी समझ में आ गया ये भी समझ में आ गया यहाँ तक बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके बाद एक पाइपलाइन लगाया क्योंकि एक और फंक्शन लगाना था सेट ये सी ए एस क्या है सी ए एस है क्लाइंट एक्सेस सर्वर ये जो काम आप करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इससे क्लाइंट एक्सेस सर्वर से तो ये क्लाइंट एक्सेस सर्वर मेल बॉक्स और उसके बाद उसके पैरामीटर्स में ओवा मेल बॉक्स पॉलिसी माय पॉलिसी ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखवा दिया क्योंकि शहजाद को बहुत ज़्यादा शौक आ रहा था पावर शेल का अदरवाइज आपके पास ग्राफिकली मेथड अवेलेबल या मेथड पता क्यों यूज़ करें मैंने इसलिए आपको कमांड वो लिखवाई जब आपने बहुत सारे यूजर्स को अप्लाई करना जैसे अज्यूम करें सेल्स में अगर तो एक यूज़र पर अप्लाई करनी थी तो बड़ा आसान तरीका है लेकिन अगर सेल्स में 50 यूजर हैं उन सब पे पॉलिसी अप्लाई करनी है तो क्या ये कमांड सब पे अप्लाई कर देगी या नहीं कर देगी तो तब ये कमांड ठीक है समझ में आ रही बात अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके लिए हम लॉग ऑन करवा लेते हैं आपको नजर आ जाएगा जब हम लॉग ऑन करवाएंगे किसे शहजाद को शहजाद का एनवायरमेंट जो है आपको एक चेंज नजर आएगा पहला वर्ड इधर रखा लगाया था मैंने कीबोर्ड पे तेज में ना लेकिन फर्क नजर आ रहा है लुक एट पीपल डिफरेंस है क्योंकि प्रीमियम क्लाइंट हैज बीन डिसेबल्ड ये जो क्लाइंट से मिल रहा है ये जर्नल का सर वो दूसरा था कि मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने वहाँ पे डेबिट से ज़्यादा भी होती है तो वो होता है ब्राउज़र वाली फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए क्या है ये मोबाइल की तो एप्लीकेशन और होती है मोबाइल पे तो लोड ही और चीज़ों की हाँ अगर आप मोबाइल पे सवाल ये है कि मोबाइल पे आप कौन सा तरीका कार यूज़ कर रहे लेट्स अस्यूम आपके मोबाइल पे जीपीआरएस इनेबल्ड है और आप मोबाइल पे इंटरनेट के थ्रू ओवर को एक्सेस कर रहे हैं कोई एक्टिव सिंक नहीं है तो फिर ही अप्लाई है फिर अप्लाई आपने पीडीए का नाम लिया आपने मोबाइल नहीं कहा पीडीए पे नॉर्मली जो सेटिंग होती है वो एक्टिव सिंक वाली है ये अप्लाई ठीक है बस यार आपसे